हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ONGC में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो इसमें जो है फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल हैं और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे कौन कौन सी ब्रांच जो है फिल कर सकती है। पोस्ट जो है यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, पोस्ट जिसका नाम है एक्सक्यूटिव के लिए यहाँ पर E1 लेवल के लिए वैकेंसी जा रखी है। काफ़ी अच्छी सैलरी जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ आपको जो फैसिलिटीज़ है वो ONGC में बहुत अच्छी मिलती है, जिसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जैसे हमने BRC के इंटरव्यू तक के डिस्कस कर रखे हैं, वो सारे वीडियोस जो है देख लें। साथ ही साथ बहुत सारी रिक्रूटमेंट के बारे में बता रखा है, उन वीडियो को जरूर देखें। सो फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर से। तो सबसे पहले आप जो है एडवर्टीजमेंट नंबर नोट कीजिए। इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो आपका 01/2019 इन द ब्रैकेट RNP जो है इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। तो यहाँ पे पोस्ट की बात किया जाए तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी जा रखी है। सैलरी की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी जो है सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका बेसिक जो है रखा गया है आपका 60,000 टू 1,80,000 जो है यहाँ पे आपका इसका बेसिक पे यहाँ पे रखा गया है। बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो पोस्ट है वो उसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट भी एलिजिबल है और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल है। मतलब इसमें जो है दो तरह की वैकेंसीज़ है। पहली वैकेंसीज जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है, देन दूसरी वैकेंसी जो है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए है। तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उसमें उनकी पोस्ट की बात की जाए तो मेडिकल ऑफिसर जो है यहाँ पे रखा गया है। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए MBBS मांग रखा है, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे। देन यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स पोस्ट के जो डिग्री मांग रखा है, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। बाकी जो अभी मैं तीसरे से लेके बाकी 5 पोस्ट डिस्कस करूँगा, उसमें जो है कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि बात किया जाए फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर्स में, तो इसमें जो है आपका ग्रेजुएट डिग्री भी CA यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आपने MBA कर रखा है इन द फाइनेंस में और 60% है, तो आप जो है फाइनेंस के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी जो सीट्स है टोटल बात किया जाए तो 31 जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। देन यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात किया जाए और फायर ऑफिसर्स की बात किया जाए, तो यहाँ पे BTech के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। लेकिन जो इन्वायरमेंट वाली पोस्ट है उसमें जो है आपको इन्वायरमेंट साइंस में BTech होना ज़रूरी है, या फिर अगर आपने BTech कर रखा है किसी भी ब्रांच से तो MTech जो है आपका वो इन्वायरमेंटल साइंस में होना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। फायर ऑफिसर्स की बात किया जाए तो ग्रेजुएट डिग्री इन फायर इंजीनियरिंग के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन यहाँ पे एज लिमिट की बात किया जाए तो एज लिमिट जो है यहाँ पे 30 साल रखी गई है जनरल्स के लिए। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरी। देन यहाँ पे मिनिमम हाइट रखी गई है, मिनिमम हाइट जो है 168 रखी गई है फॉर द मेल्स कैंडिडेट। फॉर द फीमेल्स कैंडिडेट 152 जो है यहाँ पे मिनिमम हाइट रखी गई इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर्स। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए यहाँ पे, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। देन यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन पे 20 मार्क्स रखे गए हैं, देन इंटरव्यू पे 15 मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। टोटल जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा वो आपका 60 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू के लिए जो है 1:5 रेशियो में कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, CVT के 60 मार्क्स रखे गए हैं, क्वालिफिकेशन के 25 मार्क्स, देन इंटरव्यू के 15 मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे एक्सपीरियंस दे रखा है कि जो आपका क्वालिफिकेशन अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आप अगर आपने PhD वगैरह कर रखा तो 5 मार्क्स जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। देन यहाँ पे बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो एग्ज़ाम होगा वो आपका जिस डिसिप्लिन से आप फिलअप कर रहे हो उससे जो है यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। देखिए फॉर्मेट क्या है CBT का, पहला जो है आपके डोमेन से पूछा जाएगा, देन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे, और जो आपके डोमेन से क्वेश्चन रहेंगे वो 80 नंबर क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसमें वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सारा चीज़ जो है 30 नंबर का यहाँ पे आएगा। टोटल जो है 150 क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिए जाएंगे, 3 घंटे का ये पेपर होगा। देन एग्जामिनेशन सेंटर की बात किया जाए तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है इसका ऑल ओवर इंडिया रखा गया है, जैसे कि देहरादून, गुवाहाटी, मुंबई, रांची, हैदराबाद, दिल्ली, NCR, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है सीधे वेबसाइट पर विजिट करना है। तो फॉर्म का जो लिंक है वो आपका एक्टिवेट होगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिवेट होगा आपका 29/5/2019 से और 18/6/2019 तक यह फॉर्म एलिजिबल रहेगा। तो यहाँ पे बात किया जाए कितना एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है, तो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 370 रुपये प्लस जो बैंक के चार्जेस हैं वो यहाँ पे लिया जाएगा। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो 29 मई से जो है ये फॉर्म स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो रखी गई है 18 जून जो है यहाँ पे रखी गई है। इधर यहाँ पे बात की जाए कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो ये आपको लास्ट वीक ऑफ जुलाई यहाँ पे दिया गया है।
फ्रेंड्स ये थी ONGC माई वैकेंसी। आशा करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आया है, तो पसंद आया हो तो लाइक करना शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अभी हम और भी बहुत सारी वैकेंसी जो अपलोड करने वाले हैं, आप उन वीडियो को भी देखना ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।